हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पोको और रेडमी कंपनी के सस्ते बजट रेंज में आने वाले दो 5G स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है पोको की एम सीरीज का M6 5G और रेडमी की 13 सीरीज का 13C 5G। तो आज करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। दोनों ही स्मार्टफोन लगभग 11,000 रुपए में आपको मिलेंगे। दोनों हैं हमारे पास बेस वेरिएंट, 4GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप फटाफट से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए यहां पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। तो बॉक्स जैसे ही ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे स्मार्टफोन। इन्हें तो रखते हैं फिलहाल साइड में। अंदर छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं जिनके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन, और बॉक्स के अंदर देखने पर क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल के अलावा कुछ नहीं मिलता इन बॉक्स में। कवर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। और अंदर देखने पर हमें चार्जर अडाप्टर और यूएसबी केबल नजर आती है। छोटे छोटे चार्जर अडाप्टर जो है 10 वोल्ट के दोस्तों, ओनली 10 वोल्ट के चार्जर अडाप्टर, वो भी आज के टाइम में 10,000 रुपए से ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो कंपनी को ध्यान देना चाहिए। फोन तो 18 वोल्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी हमें अलग से परचेज करने पड़ेंगे। यूएसबी केबल दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको मिलेगी टाइप ए टू टाइप सी, लेंथ और क्वालिटी केबल की एवरेज ही मिलती है। दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट लुक को देखिए, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं दोनों स्मार्टफोन, और दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड इन दोनों स्मार्टफोन पर लगा नहीं है, और दोनों ही स्मार्टफोन इन एंड फील हाथ में काफी ज्यादा चौड़े और बड़े लगते हैं दोस्तों। दोनों की पावर एक साथ ऑन हुई दोस्तों, और इसके बाद हम इनका बैक पैनल देख लेते हैं। पहले तो बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, ग्लास टाइप के लग रहे होंगे, लेकिन प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में। काफी कमाल के लग रहे हैं, यूनिक से डिजाइन आपको दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पोको M6 5G का बैक पैनल देखिए दोस्तों, क्या खतरनाक लाइट का रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल में अभी देख रहे होंगे। कुछ अलग ही डिजाइन, और इस साइड करें तो कुछ अलग ही डिजाइन, तो काफी कमाल का आपको इसका बैक पैनल देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो 13C है, इसका भी काफी बढ़िया बैक पैनल है दोस्तों। देखिए यहां पर जैसे ही मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो ये लाइनें जो हैं वो काफी अच्छी चमक रही हैं, और फोन का लुक ऑसम लग रहा है दोस्तों। नीचे Redmi की ब्रांडिंग, यहां पोको की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा लग रहा है। दो बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस नजर आ रहे हैं, और लेंस हल्के से उठे हुए भी हैं। मेन कैमरा तो है दोनों में 50 मेगापिक्सल का, 0.08 मेगापिक्सल का सपोर्टर कैमरा भी दिया गया है विद LED फ्लैशलाइट। इसके अलावा जो दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर हैं वो चारों तरफ से हैं राउंडेड, साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर ऑन की पर अटैच्ड हैं। ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, कोई IR ब्लास्टर नहीं मिलता, ना ही आपको यहाँ पर सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड हैं, इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% ऑलरेडी है ब्राइटनेस दोनों की 100%, तो ओनली 450 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है दोनों स्मार्टफोन में। थोड़ी ब्राइटनेस और हो जानी चाहिए थी दोस्तों मेरे हिसाब से। तो कलर तो डिस्प्ले में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कॉर्नर ऊपर से एज और बेजल्स पतले पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है, और जो यूज़र इंटरफेस है वो दोनों का अलग अलग है। पोको में स्क्रॉल अप करते ही और रेडमी में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करते ही सारे एप्लीकेशन हमें नज़र आते हैं। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, प्री इंस्टॉल गेम्स दोनों स्मार्टफोन में भर भर के दिए गए हैं, हालांकि आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का टच स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। दोनों ही आते हैं 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब डिस्प्ले साइज भी जान लीजिए दोस्तों, 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है दोनों स्मार्टफोन में, और एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1650 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 267 PPI, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। 168 mm दोनों की हाइट है, 78 mm की दोनों की विड्थ, और 8.1 mm की थिकनेस। वेट है दोनों का 192 ग्राम, और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग का जो इंटरफेस है दोनों स्मार्टफोन का वो आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि Redmi का ही सब ब्रांड है पोको, तो ये भी MIUI देता है अपने मोबाइल में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन आपको सेटिंग में नजर आ रहे होंगे। सबसे ऊपर है अबाउट फोन सेक्शन, इसे ओपन करें तो MIUI वर्जन
14 दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। बगल में स्टोरेज मीटर, आपका स्टोरेज जहां जहां यूज हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स इस मीटर में आपको दिख जाएगी दोस्तों। एंड्रॉयड 13 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों स्मार्टफोन के डिटेल में चलते हैं तो 4GB रैम प्लस 2GB वर्चुअल रैम दी गई है दोनों स्मार्टफोन में। सब कुछ तो एक जैसा है, बस यहाँ पर नाम ही अलग है दोनों स्मार्टफोन के और थोड़ा डिजाइन अलग है। 2.2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है दोस्तों और चिपसेट मीडिया टेक डायमेंसिटी 6100 प्लस का दिया गया है दोनों में और दोनों ही बेस्ड हैं 6nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक मिलते हैं, रैम टाइप है LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक आप दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा का कर लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ओपन कर दिया, एक जैसे हैं कैमरा में, कोई अंतर तो नजर नहीं आ रहा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल सेम है, ब्राइटनेस बिल्कुल सेम है, क्लैरिटी भी बिल्कुल सेम है और जूमिंग देखें तो 10x और यहाँ भी तो 10 गुना तक जूम सपोर्ट कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन। वीडियो मोड में 1080p में 30fps और 720p में 30fps में दोनों से आप वीडियो को शूट कर सकते हो। टाइम लैप्स दोनों में मिल जाता है, पोर्ट्रेट दिया गया है, 50MP को इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन भी मिल जाता है। स्लो मोशन में वीडियो शूट करते हो तो वो दोनों स्मार्टफोन में आपको नहीं दिया गया है। फ्रंट कैमरा देखें दोनों स्मार्टफोन का, तो ये जो फ्रंट कैमरा भी है दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, कोई अंतर नहीं है फ्रंट कैमरा में भी और जूम सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ ये रेडमी हो गया और ये पोको हो गया, फीचर दोनों के एक जैसे ही मिलेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन में अंतर है और कंपनी का नाम अलग अलग है, बाकी तो फोन में सब कुछ वही है, प्ले सेम है, प्रोसेसर सेम है, रैम स्टोरेज सब कुछ एक जैसा दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, तो दोस्तों रेडमी थोड़ा ट्रस्टेड ब्रांड है तो मेरे हिसाब से तो आपको रेडमी की ओर जाना चाहिए अगर सेम प्राइस में मिल रहे हो। अगर पोको M6 5G सस्ती रेंज में मिल जाता है तब आप सोचिए इसके बारे में, अदरवाइज पोको के सर्विस सेंटर इतने नहीं है जितने रेडमी के आपको मिल जाएंगे और पोको की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको रेडमी की मिल जाएगी। रेडमी पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, पोको पर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ऊपर से अपडेट करने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर लेके आ जाते हैं अपने साथ। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।